Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So I hope everyone is fine. And आज हम लोग discuss करने वाले हैं HP set 2024, जिसमें previous year questions पे based हम ये practice set मैंने रखा है. और यहाँ पर मैं आपका mathematical part भी include किया है, higher education के अंदर भी. तो previous year questions के behalf पे ये आपका test रहेगा. नेट और सेट दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. और यहाँ पर आप लोग ट्राई करिएगा कि आपके पास अभी, जैसे कि पूरा मई मंथ है, तो अभी फोटो कॉपीज आप निकाल सकते हैं 150 क्वेश्चंस को OMR, जो कि गूगल से आपको मिल जाएगा, और उसमें आप अपने आंसर्स को फिल करने का कोशिश करिए, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस आपके साथ साथ बन जाए. और इसमें बहुत दिक्कत आती है काफी बार, जैसे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपने फिल करना है और बाय मिस्टेक आपने उसको फिफ्थ के अंदर फिल कर दिया, तो ये बहुत माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इनको हम लोगों ने ओवरकम करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जस्ट नोट डाउन, दीज आर द टाइमिंग ऑफ अवर फ्री सेशन, 10 o'clock यूट्यूब, 11:30 ये टेस्ट बुक ऐप पे, और ये मेरे डेज हैं जिसमें हमारी स्पेशल क्लासेस ये कंडक्ट की जाती हैं. करंट अफेयर हम लोग संडे को करते हैं, और उसके साथ साथ कोई भी अगर पेड सेशन रिक्वायरमेंट इशू है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए. स्टार्ट में 0 जरूर ऐड करना, बॉटम बार पे भी नंबर दिया गया है, और फिर भी कोई डाउट है तो गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप उसको फिल कर सकते हैं. और पेपर 1 मॉक टेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन PYQ एग्जाम के अंदर, ये यहाँ से काफ़ी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस बने, तो मेक श्योर, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे पिक किया है, तो ये आप लोगों का PYP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. उसी के साथ साथ 27th को एक स्पेशल सेशन रखा गया, स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, ये यूट्यूब पे रहेगा 27 अप्रैल को 5 बजे, हमसे जरूर जुड़िएगा. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और 30 सेकेंड है आपके पास. Find the letter in the 8th position when the alphabets are written in alphabetic order from the right. आपको कहाँ से बताना, 8वें स्थान के अक्षर को ढूंढे जब अक्षर दाईं ओर से वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं. अल्फाबेटिक पोजीशन आपसे पूछी गई है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा. अरेंज करना है ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम राइट एंड, मतलब रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट यहाँ पर चलेगा. अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि इसमें आपका लेटर 8th कौन सा रहेगा. दो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में इसने डाल रखे हैं, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर. देखो, लेटर इन द 8th पोजिशन वेन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम द राइट. राइट से लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. आप भी बोलोगे मैम कैसे लिख दिया. अब बताना जी 8th पोजीशन कैसे है इसी ऑर्डर में. फर्स्ट पोजीशन जेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है 6th, ये है 7th, ये है 8th. तो 8th पोजीशन किसकी बनी, एस लेटर की बनती है, करेक्ट है. नेक्स्ट है 144, ये आपका 23 से रिलेट है, और 169 इसी सेंस में किसके साथ आप इसको रिलेट करेंगे. और बाकी इसके PDF के लिए प्रीति पेपर 1 टेस्ट बुक के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं देन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. बूस्टर कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं दोज हु आर टारगेटिंग June 24. 144, 23, ये रिकॉर्डेड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 3 बजे आप सभी को पता है कि आपके काफी पेपर 2 के भी सेशंस होते हैं, तो जैसे ही आपको समय लगे बिफोर एग्जाम आप लोग इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें. तो आंसर इसका क्या रहेगा, 25 विल बी द आंसर. देखिए ये ना 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ओके, तो आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि PYQs रिपीट करते हैं सेट एग्जाम्स में. चलो, ये आपका मेंशन इसमें किया गया है कि जो आप लोगों का 12 का स्क्वायर है वो क्या होता है 144, ये तो मानते हैं ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये तो लॉजिक आ गया. इन द सेम वे ये जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो क्या है, इधर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं 12 × 2 − 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 23. इन द सेम वे 13 × 2 − 1 करूंगी तो 26 − 1, इधर क्या आना चाहिए, 25. दैट्स व्हाई 25 विल बी द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, इफ द प्रोपोजिशन अगर नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू फॉल्स,
अगर ये केस को फॉल्स लेते हैं तो बताइए सर्टेनली ट्रू कौन सा केस होगा। 30 सेकेंड, 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तुलिका मैम भी सेशन लेंगी इसके ऊपर, आई गेस कल उनका सेशन रहेगा 3 बजे, तो सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर सपोर्ट करें। आप सभी के लिए स्पेशल ये शेड्यूल में ये स्पेशल सेशन एड ऑन किए हैं। वेरी गुड। हाँ जी, तो देखो आपको बोला है अगर नो का केस फॉल्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी को क्या बोलता है, अगर ये फॉल्स है तो इसके सामने वाला क्या होगा, ट्रू। और यहाँ पे किसका केस बैठता है, सम। और किस रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी इन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो सम का केस देखो कहाँ पे है, सम मैन आर ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सेट एग्जाम ना काफी इजी आता है, ये मैंने कल की ही क्लास में, एलआर की क्लास में आपको ये क्वेश्चन कराया था, अगर कल आपने 100% श्योर टॉपिक्स का क्लास आपने मेरा कवर किया है तो उस क्लास के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ए मैन ओट नो मोर टू वैल्यू हिमसेल्फ और बीइंग वाइजर देन ए वीमेन, मतलब जब दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा आर्ग्यूमेंट आता है, डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल, एनालॉजिकल और फैक्चुअल। कौन सा आर्ग्यूमेंट आता है, वेरी गुड। तो यहां पर कौन सा आर्ग्यूमेंट आप लोगों का आ जाएगा, कंपैरिजन हम कुछ सिमिलरिटी के बिहाफ पे करते हैं, देन वी हैव एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, अनुरूप तर्क को यहां पर हम रेफर करेंगे। आप सभी को पता है बूस्टर कोर्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको एक नॉमिनल से प्राइस में आपको मिलेगा, 80+ लाइव क्लासेस रहेंगी एंड दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ योर कोर्स। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेज करना, देन यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और 26 अप्रैल को, यानी कि आज 8 से 12 बजे तक ये आप लोगों का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत अच्छा, आप रजिस्टर कर सकते हैं ऐप पे जाके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्टेन कोड सिलेक्शन को ऐसे लिखा जाता है, देन इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये पर्टिकुलर जो आपको कोड दिया गया है इसके लिए क्या कोड रहेगा। यस, सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 10। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, डायरेक्टली कोड पूछा है, अगर मैं सिलेक्शन का जो कोड इसने पोजिशनल वैल्यू दिया है, आपको नहीं लगता यहाँ पर दो दो वैल्यूज को कहीं ना कहीं गैप प्रोवाइड किया है, जैसे देखो SELECTION, ठीक है, QCJ CARGML, इसमें देखो PQRST, आपको नहीं लगता अगर ऐसे देखते तो ये -2 है, दो दो लेटर का गैप है, CDE इधर भी 2 लेटर, JKL 2 लेटर, इधर भी 2 लेटर, इधर भी 2, -2 से आपने वैल्यूज को डिक्रीज किया है। तो इन द सेम वे अगर इसमें से -2 करेंगे तो Y, इधर -2 करेंगे H, इधर -2 करेंगे T, YHT आपका एक ही ऑप्शन में है, तो सिर्फ 3 लेटर से ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकेंड, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, ई इज द फादर ऑफ ए, डी इज रिलेटेड टू ई एज, डी और ई से किस तरीके से संबंधित है। डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एवरीवन, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी इसका पार्ट बन पाए, और आफ्टर द सेशन अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर आपको शेयर करना है इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, देखो रूटीन सेशंस के साथ ही आपको एक्स्ट्रा सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका सेट में भी आता है, नेट में भी आता है। क्या बोला है इसने, देखो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए जो है बी का भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई है, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी जो है डी का हस्बैंड है, मतलब ये भी पॉजिटिव है
और इसको हम बोल सकते हैं ये फीमेल है. ई इज द फादर ऑफ ए, ई फादर ए का. सो डी का और ई का क्या रिश्ता रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये फादर की जनरेशन है, ये उसके बच्चों की जनरेशन है, ये नेगेटिव मतलब फीमेल है यहाँ पर, तो ए कौन हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है इनकी क्या होंगी? डॉटर इन लो. करेक्ट आंसर ऑप्शन वन. क्वेश्चन सेवन, अपोलो कार्ट हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स. अगर ये हाफ जर्नी 3/5 टाइम से करती है तो इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में, जो बचा हुआ टाइम है उसको कवर करने में, उसमें किस स्पीड से वो कवर करेंगे? इसमें मैथमेटिकल पार्ट मैंने स्पेशली ऐड किया है क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन सेट एग्जाम्स में अच्छा खासा पूछा जाता है, बहुत बेसिक आता है, और सिर्फ PYQ भी आप कवर कर लेंगे तो अच्छे से वहां पर काफी क्वेश्चन आप बना सकते हैं. यस, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 किलोमीटर पर. देखिए आपको यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला. देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, स्पीड निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देंगे. आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, 80 किलोमीटर मेंशन है, गिवन है. इसने बोला अगर हाफ जर्नी को, अगर हाफ जर्नी को 3/5 ऑफ टाइम के अंदर वो कवर करता है और कितने 10 आवर के अंदर, तो मैं बोल सकती हूँ 3/5 ऑफ 10 अगर मैं निकालूं, इतनी जो जर्नी है, हाफ ऑफ द जर्नी मतलब इन 3/5 ऑफ टाइम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाला आप इधर करोगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी. एग्री विद इट, 6 आवर आ गया, मतलब 6 घंटे में इन्होंने ये काम किया है. अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, अगर 80 है तो 80 का हाफ करोगे तो 40 आ गया, हाफ ऑफ द जर्नी की बात किया है ना, रिमेनिंग कितना आ गया 40. अब मेरे पास टाइम कितना है, टोटल ये 10 घंटे था, 6 घंटे मेरे यूज हो चुके हैं, टाइम मेरे पास बचा 4 आवर का. अब मेरे पास रिमेनिंग डिस्टेंस भी मुझे पता है कितना है, रिमेनिंग मेरे पास टाइम भी है, तो क्या आएगा इसका आंसर, अभी डिस्टेंस कितना है 40, टाइम कितना है 4, तो कैंसिल करो आंसर आ गया 10 किलोमीटर. तो बस थोड़ा प्लस माइनस का कैलकुलेशन था एक तरीके से यहाँ. अगला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क 36, 343, ब्लैंक स्पेस में क्या यहां पर वैल्यू आएगी? वेरी गुड. सो क्या आएगा इधर, देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हाँ 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 पर क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, तो 5 पर क्यूब क्या आता है 125. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 32nd, वेटर सैलरी कंसिस्ट ऑफ इस सैलरी और टिप, मतलब वेटर की सैलरी कैसे बनी, सैलरी और टिप, टोटल ये आपकी सैलरी बन जाती है, भी उसको सैलरी भी मिलती है, कुछ टिप में मिल जाता है. एक वीक के अंदर हिज टिप वर 5/4 ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का क्या था 5/4 था. What fraction of his income came from tip? Tip से उसको कितना हिस्सा आता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा. इनकम कितनी है, देखिए ये इसकी इनकम है, आय उसकी क्या है, जब सैलरी और टिप मिल जाती है तब उसकी वो इनकम आती है. इसने बोला है कि 5/4 ऑफ सैलरी है, उसकी टिप है, उसकी टिप में इतना हिस्सा कितना है, ये टिप के बराबर है. तो अगर मैं देखूं टिप सैलरी को इधर ले जाती हूँ राइट साइड में, तो कितना आ जाएगा टिप बाय सैलरी, या उल्टा इधर कर लेते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं सैलरी, ये है टिप, तो कितना आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, ये बात ठीक है. टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम सैलरी कितनी है 4, टिप कितना है 5 है, तो इनकम कितनी आ गई 9, इनकम 9 आ गई. फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन किसका, इनकम केम फ्रॉम टिप, टिप से जो आती है. टोटल इनकम कितनी है 9, और यहां पर किसका है टिप से जो आती है, तो इधर आप लोगों का फ्रैक्शन पूछा दैट केम फ्रॉम टिप, तो टिप डिवाइडेड बाय टोटल इनकम होनी चाहिए,
तो टिप कितनी है? टिप के रेफरेंस में 5 है, तो 5/9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस विच हैज डैश। क्या क्या होना चाहिए स्मार्ट क्लासरूम में? स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर, डॉक्यूमेंटेड कैमरा और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर और स्क्रीन। चूज द बेस्ट आंसर। चूज द बेस्ट आंसर। स्मार्ट क्लासरूम की फीचर्स पूछा है इसने। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हेयर इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारे पास है क्या क्या होना चाहिए। तो इधर आपका स्मार्ट पोर्शन, ताकि स्मार्ट कंट्रोल ये लगा लीजिए प्रॉपर, अच्छा इंटरेक्टिव रहे। पीसी लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा रियल टाइम उसको लाइव स्ट्रीम है या कुछ और भी आपको प्ले करना है तो आपको कैमरा और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी चाहिए, प्रोजेक्टर और स्क्रीन भी चाहिए जहां पर डिस्प्ले करा पाए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिडले 1999, कॉन्कॉर्डनेस रेट ऑफ IQ स्कोर आर 86%। वैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तुलिका मैम का बाय मिस्टेक मेरे इसमें आ गया है। फॉर आइडेंटिकल ट्वींस रियर टुगेदर एंड 55% फॉर फ्रैटरनल ट्वींस रियर टुगेदर, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट IQ स्कोर? एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए IQ स्कोर की समवर्ती दर 86% है और पाले हुए जुड़वा बच्चों के लिए 50% है। तो यह हमें IQ स्कोर के बारे में क्या चीज बताता है? ये है फ्रेटरनल ट्वींस है और ये यहाँ पर आइडेंटिकल ट्वींस है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस तरीके से जब हमें ये चीजें परसेंटेज मिलती है IQ स्कोर का, तो किस चीज को दिखाता है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, आई नो बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, स्पेशलाइज्ड है उनकी बात अलग है। IQ स्कोर का यहाँ पर है लीस्ट पार्शियली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। काफी बार हम बोल देते हैं ना कि 100% जेनेटिक के ऊपर IQ डिपेंड करता है, अकेला इधर जेनेटिक्स पे 100% हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मतलब नो डाउट जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है IQ को शेप करने में, बट हम ये भी नहीं बोल सकते कि उसका एक सोल होता है, सोल डिटरमिनेंट फैक्टर है IQ स्कोर का। और भी फैक्टर है, जैसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, एडुकेशन उसका क्या है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो IQ स्कोर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेस्ट आंसर इसमें से जो मुझे लगता है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वैम? स्वैम का फुल फॉर्म क्या रहेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वैम? जी, तो करेक्ट आंसर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। नेक्स्ट, ये ना क्योंकि 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो उसके हिसाब से आपसे रैंकिंग पूछ रखी है NIRF में। आपको यूट्यूब पे मैंने करवाई हुई है NIRF रैंकिंग, अभी की आप 24-23 की देख के जाना, वो चीज आपसे पूछी जा सकती है और वहां से ही आप रेफरेंस को यूज करेंगे। पूछा है कि आपको बताना कि बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री एज पर NIRF। 2018 में था ये क्वेश्चन पेपर उसका है, दैट्स व्हाई ये उसी ईयर का रेफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। जी, तो ये क्या है? मिरांडा हाउस दिल्ली। क्वेश्चन 14, बर्थडे ऑफ इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। क्या ऐसा है कि दूसरे राष्ट्रपति के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? क्योंकि नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू स्ट्रेंथन द इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
तो बर्थडे जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट हैं, क्या उनको एज ए नेशनल एजुकेशन डे के फॉर्म में हम लोग उस डे को सेलिब्रेट करते? पहला पॉइंटर आपका ये है। असर्शन रीजन में पहले आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखना होता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उसके बीच में क्यों लगा के देखते हैं कि क्या उसमें क्यों का आंसर मुझे सही मिला या फिर नहीं मिला। पहले अगर बात करें, अगर मैं जैसे रियलिटी में नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का डे माना जाता है, बर्थडे माना जाता है, जो कि फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे। सेकंड में कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनका 5 सितंबर को आता है और उस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इनका फर्स्ट जो मैंने बताया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, और सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 5 सितंबर को एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, इसकी जो सेलिब्रेशन है वो क्यों की जाती है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो ए फॉल्स आर करेक्ट। 15 क्वेश्चन। आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय, किसने इसको सजेस्ट किया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, एनसीटी, यूजीसी, किसकी सजेशन है ये? 4 पिलर्स हैं एजुकेशन के, कौन सी रिपोर्ट है? 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम द सेम टॉपिक। यस, सो करेक्ट आंसर आएगा यूनेस्को विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 पिलर की बात करूँ, विच रिपोर्ट, ये किसने सजेस्ट किया? यूनेस्को ने। विच रिपोर्ट? डेलर्स रिपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं। वो 4 पिलर कौन से हैं? लर्निंग टू नो, ठीक है, 4 पिलर कौन से हैं? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, यहाँ पर और फोर्थ आप लोगों का आ जाता है लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसको वासुदेव कुटुम्बम से भी हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है ऑडियो वीडियो कंप्रेशन, ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड। बता दिया इसने कि कंप्रेस करते तो हर एक फ्रेम को हम छोटे छोटे ग्रिड्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो पिक्चर एलिमेंट है उसको क्या बोला जाता है? फ्रेम, पैकेट, पिक्सल, मेगापिक्सल। डू लाइक एंड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सेशन के बाद में अपना फीडबैक जरूर बताना है आपको, और मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये फैकल्टी कोड है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड कोर्सेज। जी, तो इसको बोला जाएगा पिक्सल। नेक्स्ट है, मिस्टर चैन वॉन्ट टू रजिस्टर ए डोमेन नेम, उनको एक डोमेन नेम रजिस्टर कराना है अपने नेम के साथ। चैन ताई मैन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज नॉट वैलिड, कौन सा इसमें से वैलिड डोमेन नेम नहीं है? विच इज नॉट वैलिड, या तो वैलिड निकाल लीजिए, अगर आप लोगों को नॉट वैलिड नहीं पता ऑटोमेटिक वो चीज बाइफर्केट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17। डोमेन नेम के अंदर दो पार्ट्स है, एक लेबल होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। देखो, अगर मैं ऑप्शन 2 को देखती हूं, एक के अंदर इसने दो डोमेन नेम को कनेक्ट कर दिया, एक डॉट कॉम को डाल दिया, एक ORG को डाल दिया, एक के अंदर ही दो को डाल दिया ना, तो इसमें से वैलिड कौन सा नहीं है? सेकेंड वाला, बिकॉज एक इसका भी होता है ना, टॉप लेवल डोमेन है या आपका सेकेंड लेवल है, मैंने आपको ICT की क्लासेस में पूरा प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर भी बताया है, तो सेकेंड वाला इनवैलिड है। क्वेश्चन 18, विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई गवर्नेंस एक्टिविटीज, ई गवर्नेंस एक्टिविटीज के लिए कौन सा यहाँ पर किस संस्थान की स्थापना की थी? MIT, NIC, NASSCOM और फिक्की, FICCI, फिक्की।
वेरी गुड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी योर NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर. GIF का फुल फॉर्म क्या है? एक से दो फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं. यस, सो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. फुल फॉर्म आपसे एक आध पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को जरूर करना है फुल फॉर्म. फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र. पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी कब आई थी ये भी बताइएगा. विच यूनिवर्सिटी एंड कहां पर कब आई थी. वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर क्या है? हियर द ऑप्शन इज तमिलनाडु. ये कौन सी थी? TNOU बोला जाता है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी इसको हम बोल सकते हैं. कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर. क्या थी ये? फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी. कब आई थी? 2002 के अंदर ये आप लोगों की एग्जिस्टेंस में आई थी थ्रू द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. सो दैट फ्लेक्सिबल लर्निंग बन पाए और स्टूडेंट्स कोर्स मटेरियल को अच्छे से एक्सेस कर पाए, लेक्चर्स असाइनमेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर कर पाए, दैट्स वाई. अब ये DI पूछा गया था 2018 में. अच्छा क्वेश्चन है. फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन कर इन पब्लिशिंग ए बुक. ये खर्चे बता रखे हैं, जैसे प्रमोशन पे इतना लगा, प्रिंटिंग पे इतना लगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना. ये खर्चे हैं अलग अलग, इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन बताना है. पहला क्वेश्चन देखो, अगर 5500 कॉपी पब्लिश हुई और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगी? 82500. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%. अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. क्वेश्चन के साथ DI टेबल मेंशन नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ट्रांसपोर्टेशन पे कितना है. ये यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का ये 10% दे रखा है, प्रिंटिंग का 20% दे रखा है. लिख लिया, आई होप. चलो, इसने क्या बोला है कि अगर इतनी कॉपी पब्लिश की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है इस पे 10%, और अमाउंट कितना लगाया? 8 to 500 इतना खर्च हुआ है. ये इतना टोटल बता दिया. तो अगर मैं इसकी 100% की वैल्यू निकालूं, 10% की वैल्यू है 8 to 500, 1% की डिवाइड बाय 10, 100% की मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, तो कितना आया? 8 to 5 000. यहां तक ठीक है? ठीक है, ये कॉस्ट आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की. एक्चुअली में कॉस्ट इतनी लगी है 8 to 5 000. अब पूछता है सेलिंग प्राइस ऑफ 5500 कॉपी कितना होगा. कॉस्ट प्राइस और 25% उसको चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का 125/100, 125/100 आ जाएगा. कितना है आपके पास कॉस्ट प्राइस? कितना है इस पे? 8 to 5 000 और 125% इसका निकालो, कितना आएगा? 125% जब इसका निकालेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा दिस वन. ठीक है, इसका आंसर एक कॉपी का निकालना है. जैसे एक कॉपी का अगर आपके पास उतना है, तो जो यहां पर आप आंसर निकालोगे ना, 8 to 5 000 डिवाइड बाय आप लोग करोगे 1.25 हम लोग करेंगे. तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा, कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन जाएगा, वो आप इसको देख लेना. इसका ये जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को आप लोग 5500 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20 अबव द कॉस्ट प्राइस. बुक का जो प्राइस है 20 ज्यादा मार्क कर रखा है. ये भी आपका DI इस पे मेंशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. मार्क प्राइस ऑफ बुक अगर 180 है, तो पेपर कॉस्ट बताना सिंगल कॉपी के लिए कितना चाहिए होगा. पेपर पे कितना एक्सपेंडिचर है देखते हैं. पेपर पे जो कॉस्ट आई है वो 25% आई है,
उसका इतना ही यूज है। पेपर पे जो कॉस्ट है वो 25% है। चलो अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। इसने बोला है अगर कॉस्ट प्राइस इसका मान लिया मैं सी लेती हूं और 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस कैसे होगा? मार्क प्राइस 180 है और कॉस्ट का 120% ना कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है तो 120/100। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाएंगे इधर तो 180 × 100/120। 0 से 0 6 2 जा 6 3 जा 250 ये आ जाएगा 100। 100 मेरे पास क्या आ जाता है? 100 ये आया ना, 120 था ये, 6 3 नहीं 150 आ गया, 5 3 आएगा ना, 150 आ गई, सॉरी 150 आ गया। अब आपसे पूछता है कि पेपर पे एक्सपेंडिचर 25% था ना, तो इसका 25% निकाल दो। 150 का 25% क्या होएगा? 25 4 जा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 7 जा 37 point something आ जाएगा। ये देखिए, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,30,30,600 एज ए प्रिंटिंग कॉस्ट। रॉयल्टी बताना है कितना होगा। प्रिंटिंग कॉस्ट की परसेंटेज देखो कितनी है, रॉयल्टी की और प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग की 20% है, रॉयल्टी की 15% है, 20 और 15। इस पे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका और 20 और 15 इसने अपना डेटा दे रखा ऑलरेडी। अगर प्रिंटिंग पे है, लिख लेते हैं, प्रिंटिंग पे है 20%, रॉयल्टी पे है 15% और बुक पब्लिशर ने पे कितना किया है? 30,600 ये पे किया है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लिया मेरा खर्चा मुझे निकालना है, तो इसका अगर मैं निकालती हूँ वैल्यू, ये क्या है, इतना पे करना पड़ता है, तो इसका 20% की वैल्यू निकाल लें, है ना, 20% की वैल्यू निकालना, ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है इस पे? 20% है, 20% है, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी, एक्सपेंडिचर निकालना है, ये आप लोगों को आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी इधर आके मल्टीप्लाई 100/20। 100% की वैल्यू 0 से 0 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 153,000। ये आ जाएगी 100% की वैल्यू निकाल दी यहां तक। अब रॉयल्टी पे पूछा है, इसका 15% निकाल दो। रॉयल्टी कितनी है? 15%, इसका 15%। 0 से 0 15 0 45 चार कैरी 75 9, ये आ जाएगा आई गेस सी ऑप्शन आना चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनकम एक्सपेंडिचर बेस था आपका, प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज दे रखा है। ये प्रॉफिट परसेंट ए का है, ये प्रॉफिट परसेंट बी का है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और अगर आप लोगों को परसेंट प्रॉफिट, इनकम एक्सपेंडिचर कोई भी दो तीन वैल्यू एग्जामिनर देगा और एक वैल्यू आपको इनमें से निकालना पड़ता है। एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, ये देखो एवरेज परसेंट प्रॉफिट किसका? बी का बताना है कि कितना रहेगा। फटाफट से ट्राई करिए। और ये सारा आप लोगों का 2018 का क्वेश्चन पेपर था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये 25, अराउंड 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस करना, और ये नेट एग्जाम में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सेट एग्जाम के क्वेश्चंस है। सबका टोटल कर लो, टोटल कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है? टोटल टोटल करो सबका कितना है? 30 40 70, 3 और 4 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18, 190 आ गया, 190 आ गया ना। और कितनी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 / 5, तो कितना आया? 5 3 15, 38 आ गया आंसर, 38%। डायरेक्ट परसेंट की एवरेज निकाल ली ना मैंने, हर एक की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको डायरेक्ट परसेंट दे रखा उसका, तो वहां पर डायरेक्ट परसेंटेज से ही एवरेज हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 25, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनी वॉज 9 लाख। 2012 में अगर टोटल खर्चा उनका इतना है, दोनों का रेशियो दे दिया A:B 2:1, तो बताओ इनकम ऑफ कंपनी ए की कितनी होगी? अच्छा 3 रेशियो की वैल्यू है 9 लाख, 1 रेशियो की वैल्यू 9/3, 3 लाख आ गया। बोल सकते हैं ए का है 6 लाख, इंटू 3 करोगे
और इसका है 3 लाख। मतलब ये डेटा तो मेरे पास आ गया क्योंकि इसने मुझे रेशियो दे रखा था और टोटल वैल्यू इसने मुझे गिवन दे रखी थी दोनों कंपनी का क्या है। तो एक का 6 आ गया, एक का 3 आ गया। अब ए का डेटा आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालते हैं ए का, वो कितना है ए का प्रॉफिट परसेंट? ए का प्रॉफिट परसेंट 35% है। ये देखो यहीं पे लगा देती हूँ मैं इसको, ए का प्रॉफिट परसेंट यहाँ वैल्यू लिखूंगी 35, ठीक है। अब उसके बाद इनकम कितनी थी ए की, एक्सपेंडिचर कितना था? इनकम मुझे नहीं पता, इनकम नहीं पता, एक्सपेंडिचर अभी हमने कैलकुलेट किया था तो कितना था? 6 था, है ना, 6 था। और डिवाइड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा ना, इंटू में 100। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इनकम की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आप लोग इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या दे रखा है ऑप्शन में, 1 मिनट, 8.1 आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, 25 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर जरूर बताइएगा, सॉल्यूशन मैंने हर एक का साथ में दिया आपको ताकि आप आगे भी रेफरेंस के तौर पे इसको यूज कर पाए। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर कुकीज इन आईसीटी, आईसीटी के अंदर जो कुकीज हैं वो क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ को शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।